ओम शांति। आज 16 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शिव बाबा मुसाफिर कहे, मैं एक ही बार संगम युग पर आता हूँ, बच्चों के पास, बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस घर चलना है, घर का रास्ता कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाबा कहते, मैं आता हूँ तुम सभी आत्मा रूपी सीताओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था और अंतिम समय के लिए बताया, जो कई बच्चों के कई प्रश्न होते हैं, आज बाबा ने उसको क्लियर किया कि इस समय तुम हाफ कास्ट ब्राह्मण हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म भस्म हो जाएंगे, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे, जब आत्मा पवित्र हो जाएंगी तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, यह है सच्चा सच्चा कुंभ मेला, जिसमें ज्ञान स्नान करने से आत्मा पवित्र शुद्ध बन जाएगी। तो बाबा कहे, अब जज करो राइट क्या है। फिर बाबा ने वर्तमान समय और भविष्य आने वाली नई दुनिया के ऊपर 2 गीत याद दिलाया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिर बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उस दुनिया की महिमा का गीत सुनाया कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। फिर बाबा ने अशांति की दुनिया में शांति की अनुभूति सहज करने का सहज उपाय बताया कि अशरीरी होकर बैठ जाओ, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो इस अशांति की दुनिया में रहते हुए भी शांति की अनुभूति कर सकते हैं। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने, अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। आज मुरली का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में होंगी क्यों? अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती, अंत में होंगी क्यों? तो बाबा ने कहा, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो 5 तत्व पतित हैं, जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरा पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए अभी तुम हाफ कास्ट हो, अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, अपने शांति स्वधर्म में सदा रहना है, यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे, अर्थात बाबा की निरंतर याद बनी रहे। दूसरा, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है, जो भी कर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है, याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। आज बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा छत्र छाया की अनुभूति करने कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहे, आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन, सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो
तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। वरदान में बाबा ने व्यर्थ को समाप्त करने और बाबा के छत्र छाया में रहने का सहज तरीका बताया कि सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि बाबा मेरे साथ सदैव हैं। आज का स्लोगन है, फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।